निर्भया के चारों दोषियों में से एक दोषी मुकेश की पटियाला हाउस कोर्ट ने वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें मुकेश के वकील की तरफ से ये दावा किया गया था कि जब साल 2012 में ये घटना हुई उस वक्त उसको वो वहाँ पे नहीं था, बल्कि उसके अगले दिन उसको राजस्थान से दिल्ली पुलिस द्वारा लाया गया था। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में मुकेश के वकील एमएल शर्मा ने ये याचिका में कहा था कि उसके जो क्लाइंट है मुकेश, उस वो वारदात के समय दिल्ली में नहीं था, बल्कि उसके अगले दिन उसको राजस्थान से दिल्ली पुलिस लाई है। इस अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और चूंकि इनको 20 मार्च को फांसी होनी है और उससे पहले लगातार एक के बाद एक इस तरह की बेतुकी जो याचिकाएं हैं वो कोर्ट में लगाई जा रही है, इस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज करते हुए साफ कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाता है और साथ ही साथ इस याचिका की रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जाए। कैमरामैन राजेश के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।